हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नया इंटरेस्टिंग व्लॉग में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। हम सब तो बढ़िया हैं, बस ऐसे ही हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अभी मैं उसके घर से निकल गया हूँ, दोस्त के घर से अपने घर को जा रहा हूँ। ये है यहाँ का कैंट एरिया। आगे का काम चल रहा है, आवाज आ रही, आगे जाके बात करता हूँ तुमसे। तो पीछे पे काम चल रहा है, सफाई चल रही, तब आवाज आ रही थी। यहाँ कैंट एरिया बड़ा सही है यार, और जो भी हो कैंट एरिया मतलब साफ है, बड़ा अच्छा लगता है घूमने वूमने को। सब यहाँ आते जाते हैं घूमने के लिए कैंट एरिया में ना, और सुकून भी है, शांति भी है। वैसे बहुत बड़ा कैंट एरिया यहाँ का, तो आने का भी अल्मोड़ा, तो कैंट एरिया जरूर घूमना अच्छा है यहाँ का। कैंट एरिया, कैंट एरिया ख़त्म होते ही पीछे बादल बड़े अच्छे लगे यार, जो भी खैर छोड़ो। तो कैंट एरिया ख़त्म होते ही सीधे मार्केट आती है, आगे मार्केट, घर के ओर चलता हूँ सीधे। गर्म हो रहा है ना, आधे रास्ते पहुँचा अभी वहाँ पे, जहाँ पे मैंने बताया था ना कल हमारे स्कूल का पुराना, वहाँ पे पहुँचा अभी। बहुत ही गर्म हो गया है, अब नहीं लगता घर जा पाऊँगा। मम्मी से हमें फटाफट पानी लगा दें, गर्म सीधे जहाँ घर जाके नहाऊंगा। पहले पसीने कितने हो रहे, बहुत तेजी से आया यार मैं, सीधे घर जाके नहाता हूँ सबसे पहले। बच्चों के शाम के 4:30 सही मैं आया, फिर मैंने खाना वाना खाया, उसके बाद मैं रेस्ट किया थोड़ा। अभी थोड़ा पहले उठ ही रहा हूँ जस्ट, मम्मी ने बना रखी है मैगी। गर्म हो रहा है, इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है ना, तो अभी थोड़ी देर में हवा हवा चलेगी, जब धूप चले जाएगी ना थोड़ा बाहर बाहर घूमते हैं। सब सर तो मैगी खाते हैं, कब से नहीं। वैसे मेरे मैगी पसंद नहीं है, और जो पतंजलि वाली है ना, पतंजलि नूडल्स ये अच्छी होती है, आटा वाली वो जो वाली होती है, वो येलो पैकेट में आती है जो, वो पसंद नहीं होगी। उसमें कुछ मज़ा नहीं है, ये अच्छी है, बेस्ट है। तो वही बज गया 9:30, पापा आ गए हैं अभी, आए 9:30 बजे। अभी इतनी चाय, मैंने मम्मी ने मुझे चाय दी, मैंने भी रखी रहेगी चाय। भाई मम्मी बनाने वाली है मूली के पराठे, मूली को रखी मम्मी ने, मम्मी ये तो चटनी बनाऊंगी। तो ये हमारा पुराना सिल, पुराने जो जमाने का होता है पहले टाइप सिलबट्टा होता था, अब तो वो हो गया, क्या कहते हैं मशीन, क्या कहते हैं आप उसको, मिक्सी ना, मिक्सी, अब तो मिक्सी आ गई। पहले ये होता था ना सिलबट्टा, इसमें पीसते थे गांव साइड को या हर जगह जहाँ भी होता था। इस सिलबट्टे में जो, सिलबट्टे में जो पीसेंगे ना मसाला वगैरह कुछ जो पीछेंगे, और टेस्ट पीसेंगे जो भी है, तो वो टेस्टी बहुत होता है ऐसा, तो अपने कहा मेरे से बहुत टेस्टी होता है इसमें पीस के, मतलब ना कुछ होता है स्वाद, जैसे वो लोहे की कढ़ाई में टेस्टी होता है ऐसा होता है। और चूल्हे का जो गाँव का खाना होता है वो अलग ही टेस्टी होता है, गैस में नहीं आता, मतलब वहाँ के जो खाना बनता है चूल्हे में, जो लकड़ी के लिए आगे बनाते हैं, उसका टेस्ट अलग आता है, इसका टेस्ट अलग आता है, वो तो अलग ही बनते हैं। उसमें खाली दाल चावल थोड़ा सिंपल सा भी हो ना, तो उसमें भी टेस्ट अलग ही होता है। तो अभी तुम्हारा भाई को रहेगा खीरा, किसके लिए, पायते के लिए, इतना अजीब से खीरे हैं, पता नहीं क्या है खीरे ऐसे लग नहीं रहे, पता नहीं करेंगे कैसे, पतले पतले हड्डी ऐसे, मतलब जो भी है करता हूँ। पीछे देखो टाइम कितना हो गया, 10:10 बजे। अब मम्मी वाला रहन दे, कोई कर दे अजीब सा, तो जो भी आज का ब्लॉग, आज मैं सोचा था कि ब्लॉग बड़ा बना होगा, क्योंकि मैंने आज सुबह स्टार्टिंग से बनाया था, जब मैं वहाँ से आया, वो दोस्त के घर से आया, वहीं से स्टार्ट कर दिया था। मैंने कहा था आज का ब्लॉग सही बन जाएगा बड़ा, मतलब ठीक ठाक हो रहा होगा। देखा मैंने इतना छोटा ब्लॉग बनाया आज का। और जिस दिन मैं सोचता हूँ कि ब्लॉग छोटा है छोटा है, उस दिन हो जाता है, मतलब ठीक ठाक 10 के आसपास हो ही जाता है, पता नहीं क्या, समझ में नहीं आता मेरे। उस दिन मैं कुछ शूट नहीं भी करता हूँ तब भी लगता है। आज मैंने रास्ते में शूट किया, घर आके शूट किया, फिर अभी शाम को किया, अभी फिर किया, अभी बहुत ही कम मिनट का हुआ है, क्या बोलूँ मैं, समझ नहीं आता। और हाँ,
जो 11th जो 10th 12th के रिजल्ट भी आए हैं उन बच्चों को बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस जो भी है। पर समझ में नहीं आ रहे थे मम्मी कम नंबर दिए नहीं कह रहे थे बहुत बच्चे कम नंबर दिए ही नहीं कह रहे थे बहुत बच्चे मेरे जो पहचान में दो लोगों ने मेरे से कहा कि नंबर कम दिए, मतलब प्री बोर्ड में जो जैसे नंबर आए थे प्री बोर्ड के नंबर के हिसाब से देना था नंबर, जो मतलब जो मेन बोर्ड में जो नंबर थे उनके हिसाब से मिलने वाले थे ऐसा कुछ था, तो उस हिसाब से नंबर नहीं मिले जिस हिसाब से प्री बोर्ड में आए, कम कर रहे हैं। एक जो मेरी दोस्त थी उसने कहा था कि मेरे को एक सब्जेक्ट में जिसमें वो उसका अच्छा था, मतलब सब्जेक्ट बहुत अच्छा था उसमें उसको बहुत ही कम दे रखी बात, मतलब और में अच्छा ही उसकी वजह से उसकी परसेंटेज गिरी, और जो मेरे मामा की लड़की उसका भी ऐसी वो रखा। कर भी आ सकते हैं हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, जो भी है कोई नहीं, आगे की सोचो, ये जो हो गया हो गया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जो हो गया आप कुछ नहीं कर सकते, तो जो आगे आने वाला है उसकी सोचो, सब अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी खीरे वीरे करता हूँ मैं, फिर खाते हैं खाना सीधे सड़क। तो अभी खाना लगा दिया, खाना खाते हैं, खाने पराठे उसके साथ रायते हैं, साथ में सी डिश में खीर है सिवई की, परसों ही बनाई थी मैंने, बताया था, मन नहीं कर रहा वैसे मेरा मीठा खाने का बिल्कुल भी, देखते मन ही नहीं हो रहा, कहाँ से डिश, खाना ना खाते हैं सीधे, उसके बाद मिलता हूँ आपसे मैं। क्या कहा ला रहा हूँ, तो अभी खाना वाना हो गया है, 11 बज गए, करेक्ट 11 बजे खाना होगा, रोज का हमेशा का टाइम है 11 बज जाता है, आदत हो जाती है ऐसा होना कि टाइम देख के रोज 11 बज जाते हैं, वही टाइम है। तो इसी साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करता हूँ, आशा करता हूँ आपको आज का ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर आप नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट करके बताना कि ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it.